नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोटा विजिटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सवाई माधोपुर इंटरचेंज की ओपनिंग के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि सवाई माधोपुर इंटरचेंज को 16 फरवरी शुक्रवार के दिन ओपन किए जाने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आपका कैसा रहने वाला है सफर। सवाई माधोपुर इंटरचेंज से आपको अगर कोटा जाना है तो कौन सा रूट आपके लिए सही रहेगा, और उसके बाद आपको वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कौन सा इंटरचेंज आगे ओपन मिलेगा, ये आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप देखते चलिए वीडियो को एंड तक। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो पहुंच सके आप तक भी। और वीडियो आपको कैसा लगा यह कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें बताइए। तो चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को चिमनपुरा इंटरचेंज से सवाई माधोपुर इंटरचेंज के बीच ओपन कर दिया गया है। यह जो हिस्सा था ये काफ़ी दिनों से बनकर यहाँ पर तैयार था। लोग जो इसका खुलने का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली इसको ओपन कर दिया गया है। आज जिन सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है उनसे कोटा, उदयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। और यहां से आप सवाई माधोपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंटर एग्जिट कर सकते हैं। सवाई माधोपुर के लिए आप यहां पर एग्जिट कर सकते हैं और सवाई माधोपुर से आप एंटर कर सकते हैं दिल्ली की ओर, लेकिन सवाई माधोपुर से मुंबई की ओर जो अभी आपको एंट्री इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर नहीं मिलेगी। सवाई माधोपुर इंटरचेंज के बाद आपको यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यहां पर क्लोज्ड मिलेगा। यह NH 552 का जो अंडरपास यहां पर है और उस अंडरपास की जो पुलिया है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए यहाँ पर ओवरपास है, और यह जो और पास की पुलिया है वो इसी पुलिया के यहाँ पर इसको बंद कर रखा है पहले से ही, इसको अभी नहीं खोला गया है। दिल्ली की ओर से आते समय आप सवाई माधोपुर के लिए यहीं से एग्जिट करेंगे और आप यहाँ से एग्जिट करके और पहुँच जाएंगे एग्जिट लेन पर, और यहाँ पर आपको एक टोल नाका मिलेगा और टोल नाका पार करने के बाद में आपको यहाँ पर आगे मिल जाएगा NH 552। और सवाई माधोपुर से एग्जिट करने के बाद अगर आपको कोटा की ओर यात्रा करनी है तो आपको यहां से जो सबसे अच्छा जो मार्ग रहेगा वो रहेगा कोटा लालसोट मेगा हाईवे। और दोस्तों, कोटा लालसोट मेगा हाईवे लेने के लिए आपको यहां से एग्जिट करने के बाद यह जो NH 552 है इस NH 552 पर आपको चलना पड़ेगा यहाँ से सवाई माधोपुर की ओर। और NH 552 पर चलते हुए आपको सवाई माधोपुर से पहले मिलेगा कुस्तला। सवाई माधोपुर से पहले आपको कुस्तला कस्बा यहाँ पर मिलेगा, तो कुस्तला में ही यह जो NH 552 है यह क्रॉस करता है कोटा लालसोट मेगा हाईवे को। इस कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर कुस्तला से 115 किलोमीटर आप चलेंगे तो इंद्रगढ़, लाखेरी, कापरेन होते हुए आप पहुंच जाएंगे कोटा। तो कुस्तला से आपको कोटा पड़ेगा 115 किलोमीटर। कोटा से अगर आपको वापस से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एंटर करना है कोटा से आगे जहां से खुला हुआ है, तो उसके लिए कोटा से आप NH 52 लेकर के और आप यहां से पहुंच जाएंगे सुकेत। और सुकेत से यह जो NH 52 है ये चला जाएगा झालावाड़ की तरफ, और सुकेत से रोड नंबर 109 पर लखारिया जुलमी होते हुए आप पहुंच जाएंगे पीपलिया, और पीपलिया से आपको लेना है MP SH 31A, MP SH 31A लेकर के और आप पहुंच जाएंगे झालावाड़ रोड लेडी चौराया होते हुए भानपुरा इंटरचेंज, जो कि नीमथुर ग्राम के निकट ये जो नीमथुर भानपुरा इंटरचेंज है यह यहाँ से ओपन है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 244 किलोमीटर लंबा जो भाग है वह मध्य प्रदेश के अंदर ओपन किया जा चुका है पहले से ही,
और यहाँ से आप गुजरात बॉर्डर तक इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वापस से यात्रा कर सकते हैं। और कोटा से जो इभानपुरा इंटरचेंज है ये पड़ेगा आपको लगभग 100 किलोमीटर। और अगर सवाई माधोपुर इंटरचेंज से इस भानपुरा इंटरचेंज की अगर हम बात करें तो ये आपको पड़ेगा यहाँ से लगभग 215 किलोमीटर। और अब तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की ओपनिंग की बात अगर हम करें तो यह सवाई माधोपुर से दिल्ली तक 292 किलोमीटर और मध्य प्रदेश का जो हिस्सा है वो है 244 किलोमीटर मिला करके। और अब तक इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 536 किलोमीटर एरिया है उसको ओपन किया जा चुका है। 1382 किलोमीटर लंबा यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू होता है हरियाणा के सोहना से और यह जाता है महाराष्ट्र के जैन पिटी तक। 1382 किलोमीटर का यह हाईवे है जिसके ऊपर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा हुआ है। और इस प्रकार से हम 1382 में से 536 किलोमीटर माइनस करेंगे तो अभी 846 किलोमीटर जो भाग है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उसको अभी ओपन किया जाना बाकी है और अभी वह अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो अभी निर्माणाधीन है। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।